हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, हम लोग वैसे नमक पारी बोलते हैं इसको। आज घर पे चाय के साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैं सोची कि क्यों ना आज थोड़ा सा ये नमकीन बनाया जाए और आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए देखते हैं बनाना कैसे है। इसके लिए मैं एक बड़ा बर्तन ले ली हूँ और उसके ऊपर छन्नी रख ली हूँ, और मैं ना 2 कटोरी मैदा ली हूँ। और इसको अच्छे से छान लेंगे, इससे क्या होगा कि जो भी इसमें छोटे मोटे जो भी देखिए इस तरीके गांठ हो या कुछ भी, तो वो निकल जाएंगे। आप चाहें तो क्वांटिटी ना ज़्यादा या कम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैं जल्दी से बना रही हूँ इसलिए 2 कटोरी का बना रही हूँ। 2 कटोरी से थोड़ी सी कम भी है ये। और अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, तो मैं इसमें पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ अपने घर पर। आपके पास जो नमक हो आप यूज़ कर सकते हैं। और एक कसूरी मेथी थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्रश करके, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। और अभी गर्मी है ना, तो बहुत अच्छे से क्रश हो जाती है क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं है। और अब इसमें थोड़ा सा अजवाइन में डालूंगी, वो भी क्रश करके ही डाल रही हूँ मैं। क्रश करने से ना इसकी जो खुशबू है ना आटे में बहुत अच्छे से आ जाती है। और ये 2 चम्मच ऑयल है। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, 1 से 2 मिनट लेंगे, अच्छे से मिक्स करिएगा। इससे क्या है ना, बहुत अच्छे से पूरे में मोयन आ जाएगा इसमें। अच्छे से मिक्स करिएगा। ये देखिए मैं मुट्ठी बंद करके दिखा रही हूँ, बहुत आसानी से बंद जा रहे हैं। और मैं ऊपर से इसको गिरा भी रही हूँ तो ये टूट नहीं रहा है, मैं हाथ से इसको तोड़ी हूँ। इसका मतलब है एकदम परफेक्ट मोयन पड़ा है इसमें। और अब थोड़े थोड़े पानी डाल के इसको अच्छा सा एक सा डो बनाना है। इसको ना बिल्कुल भी नरम नहीं गूँथना है, और बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसको गूँथते जाइए आप। मुश्किल से 20 मिनट में बन जाता है। और मैं सोची कि चाय के साथ कुछ भी नहीं है तो क्यों ना इसको बनाऊँ और आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूं। और बस ये देखिए रेडी हो गया आटा गूंथ के मेरा। और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए मैं रख दूंगी, जिससे ना थोड़ा सा फूल जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और बस 10 मिनट देखिए हो गया है। और अब इसको चेक कर लेते हैं और एक बार थोड़े से अच्छे से गूंथ लेंगे। और अब इसको ना क्या करेंगे कि पहले रोल करेंगे, और रोल करने के बाद ये देखिए इस तरीके से मैं बॉल तोड़ रही हूँ, जैसे एक रोटी का होता है ना, मतलब रोटी से थोड़ा सा बड़ा साइज़ है ये। और मैं थोड़ा सा आटा में इसको डस्ट कर रही हूँ, मैदा है वो, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा। और इसको आप जितना पतला बेल सकते हैं ना, मतलब रोटी से भी पतला बेल सकते हैं तो आप बेल लीजिएगा, बहुत आसानी से बेल जाता है। और पता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। मैं इधर गैस पे ऑयल भी रख दी हूँ, उधर वो भी गर्म हो रहा है, उसको बेलते जा रहे, मतलब झटपट से बन जाता है। और फिर इसकी करते तक ना आप इधर चाय भी रख सकते हैं, इसके थिकनेस आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, मतलब रोटी की तरह ही है ये। और ये देखिए बस फटाफट आप चाकू से इस तरीके से पतले पतले कट लगाते जाइए। आप इसको बड़े बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मैं छोटा इसलिए बना रही हूँ कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आता है। और बस इस तरीके से घुमा के और एकदम छोटे छोटे इस तरीके से इसके पीस कर लीजिए। ये कट के रेडी हो गया है। और इसको ना आप चाकू से धीरे धीरे आप इस तरीके से निकालते जाएंगे, बहुत ही आसानी से निकल भी जाता है। और आपको लग रहा होगा कि आपस में चिपक रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। जैसे ही आप तेल में इसको डालेंगे ना, ये अपने आप अलग हो जाएगा। ये देखिए कितना आसानी से निकल गया है। और एक और डो मैं लूँगी इसमें से, और फिर उसी तरीके से इसको गोल बनाएंगे और हथेली में दबा के थोड़ा सा मैदे से इसको डस्ट कर ली हूँ। और बस इसको फिर से वैसे ही बेल लेंगे, और इसको बेलने के बाद ना फिर वैसे ही कट लगा लेंगे। बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। इधर ऑयल भी मेरा गरम हो गया है, मैं चेक करने के लिए डाली हूँ कि ऑयल गरम हुआ है कि नहीं। और हमको इतना ही गरम ऑयल चाहिए ना, तो बहुत ज़्यादा तेज़ चाहिए और ना बहुत ही कम। और बस इसमें थोड़े थोड़े करके डालते जाइए, ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप चाहे ना तो आटे का ही बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैदे का यूज़ करें, आटा और सूजी का ही बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। कलर एकदम परफेक्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको कलर दी हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और बस इसको निकालते जाइए, और ये आपका चाय के साथ खाने वाला स्नैक्स बन के रेडी हो गया। झटपट से बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और बस ऑयल को ना इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अगर आपका ऑयल गर्म हो गया है तो फूलेगा नहीं। आप क्या कीजिए कि गैस को बंद कर दीजिए, और उसके बाद जब थोड़ा ठंडा हो जाए तब फिर से दोबारा डालिए। और ये देखिए कितने फूले फूले बन के रेडी हुए हैं ये। और ना इसका कलर देखिए इतना ही मुझे चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया था, और ये एकदम परफेक्ट हो गया। बस अब इसको मैं निकाल लूँगी, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्वांटिटी में ये बन के रेडी हुआ है।
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को बनाने में, मतलब पूरा प्रोसेस करने में सिर्फ 20 मिनट लगे हैं। और ये देखिए फूले फूले मेरे छोटे छोटे नमकीन बन के रेडी हो गए हैं। आप इसको 1 महीने के लिए बना के स्टोर करके रख दीजिए, लेकिन जब ये ठंडा हो जाए तब, और देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। और बस मैं इसको बंद करके एक डब्बे में रख दे रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 2 दिन में ही मेरे घर में ख़त्म हो जाएगा ये चाय के साथ, क्योंकि सबको बहुत पसंद है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।